अंबेडकर नगर से आ रही खबर, जहां युवकों की जिला अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मियों की ओर से की गई पिटाई तथा युवकों पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीएमओ ने शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। इसके साथ ही सीएमओ ने युवकों की पिटाई को अनुचित बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कृत्य दोबारा ना हो, इसके लिए कड़ी हिदायत दी गई है। बीते दिन जिला अस्पताल में कुछ चिकित्सकों और कर्मचारियों ने अराजकता फैलाते हुए 2 युवकों की पिटाई कर दी थी। वे महिला चिकित्सक के ड्यूटी पर मौजूद न रहने को लेकर फोन पर सीएमओ से शिकायत कर रहे थे। इसी को लेकर चिकित्सालय कर्मियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। चिकित्सकों की अकड़तूत वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बाहर आ गई। इसके बाद चारों तरफ से लोगों ने चिकित्सकों के रवैये की आलोचना शुरू कर दी। इसको देखते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को न सिर्फ घटना पर खेद जताया वरन आश्वस्त किया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीटीवी 24 न्यूज के लिए अंबेडकर नगर से जिला संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। हमें जो जानकारी मिली थी, 2 लोग आए थे, जो अपने आप को बता रहे थे, हम किसी मीडिया के लिए पत्रकार थे, जाने के उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं था, वो कर रहे थे। उसके बाद जो वीडियो हमने वीडियो से सुनी थी, हम फोन हमने सुना रहता, मैं वहाँ गया नहीं था, फोन बोल दिया था, फोटवाल टीम भेजा था, उन लोग का करा के दिया। अभी मेरे विभाग की तरफ से विभागीय टीम बना दी गई है। विभागीय टीम में डॉक्टर बी वर्मा सीनियर डॉक्टर हमारे हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे 2 दिन में रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, 2 दिन के अंदर आप जांच करके पूरे मक्के की जांच करके हमको रिपोर्ट दें। उसके हिसाब से जो भी दोषी होगा, हमारे तरफ से जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर हम शासन को सख्त कार्रवाई लिखने के लिए लिखेंगे। सर, कानून जो है, चाहे राजा हो या रंग, सभी के लिए बराबर है। अगर पत्रकार की गलती होगी तो पत्रकार भी मिलेगी, डॉक्टर शासन आदेश है, शासन आदेश है कि डॉक्टरों के खिलाफ नहीं दर्ज हो सकता, लेकिन विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी हमारे तरफ से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उसको शासन को, विभाग को, जो उच्च स्तर पे उसके खिलाफ लिख के दे दिया जाएगा, क्योंकि कार्रवाई करने के मुझे सीएमएस पर अधिकार नहीं है। हम अपने अधिकारियों को लिख सकते हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ लिखा। आपने वीडियो में देखी होगी सर, एकदम गलती तो आपको साफ झलक जाएगा उसमें की हां दिखा। इसीलिए हमने तुरंत कमेटी बना दिया है। हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर बी वर्मा है, जिनके अगुवाई में हमने 3 डॉक्टर कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर बी जी तिवारी हैं, हमारे अच्छे सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर पंकजनाग के डॉक्टर, तीनों लोगों की अगुवाई हमने कमेटी बना दिया है। कल ही कमेटी बन गई है, कमेटी बन गई है, उससे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। जो हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पे पत्रकारों को दोषी ठहराया गया, तो क्या उस सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिपोर्ट बना ली जाएंगी? एकदम ऐसा तो नहीं कि बाद में कह दिया जाएगा सीसीटीवी कैमरा बंद ना ही, ये ऐसा बस यही होगा उचित हो, अस्पताल के अंदर चौकी को सूचित किया गया था, एकदम कोतवाल में सूचित किया था, चौकी ने कोतवाल में तुरंत। पर वीडियो में तो घटनास्थल पे कोई नहीं दिखा। अभी कोतवाल फोन के कोतवाल भेजे किसी का। चौकी यहाँ से कितनी दूरी पर है? चौकी 40 मिनट में तुरंत कोतवाल में फोन किया था। चौकी जैसे अगर इमरजेंसी में कोई घटना दुर्घटना होती है तो चौकी सूचित किया जाता है। अभी आप इसकी बात की बात चौकी फोन तक क्या एक डॉक्टर के साथ कितने लोग आए थे मारने और पिस्टल के द्वारा? ये मुझे कोई जान नहीं। मोबाइल छीन लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। इसके बारे में सर, इसके लिए इसके बारे में एक बात कोई जान नहीं। अस्पताल की शिक्षा है, मुझे वीडियो के साथ मिला है, देख रहे होंगे, खबरों में भी देख रहे होंगे, अस्पताल की कितनी बदनामी हो रही है, जो जिम्मेदार अफसर है उनकी भी बदनामी हो रही है, ऑडियो वायरल हो रहा है। उसके जिम्मेदार पद पे एक डॉक्टर होता है, जिम्मेदार पद पे पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, ठीक है। हाँ, उनके साथ भी बदसलूकी होती है, डॉक्टरों के साथ भी होती है, वहाँ भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन आज उसी पत्रकार